थारो के
सहारो मारा बोलो तुम्हारा तुम्हारा दादी बड़ा काम तो थारो बहुत छोटो है मैंने एक जगह खड़े होकर गाने की आदत ही कोनी और अगे लंबो है बीच में भी मैं गाऊं बीच छोटो मारा दादी जी मारा दादी जी दादी के श्री चरणों में भाव अर्पित करना पड़ेगा कहीं अगर होगा बोलो एक बार दोनों हाथ खोल कर एक साथ की आवश्यकता माताओं बहनों को बिल्कुल नहीं है कि दादी जी का स्वागत कैसे किया जाता है। आप लोगों ने हमें सिखाया है कि दादी को स्वागत कहीं करना चाहिए कि गंगा जल से स्नान करावा रोली मोली थाल सजावा गंगा जल से स्नान करावा रोली मोली थाल सजावा मन के आसन पर बैठावा दादी जी मारा दादी जी मारा दादी जी और इसके बाद आसन पर विराजमान करने के बाद क्या काम करना है बोलो उठे तो ओढ़ो चूनर भारी ओढ़ो चूनर भारी आता राजे अधिकारी मैं तो कर सा पूजा धारी मारा दादी जी मैं तो कर सा पूजा धारी मारा दादी जी से तो आवाज अपने आप बढ़ जाए कोई के बटाने से कोई नहीं बटे कभी कोई नहीं बटे सब चीज जबरदस्ती हो सके दुनिया में लेकिन भक्ति कभी जबरदस्ती कोनी होनी थारे मन का भाव होना चाहिए तभी तो भक्ति कर सको नहीं तो बोल के कितना भी करवा लो कभी कोनी होवे आज मन का भाव दादी के श्री चरण में अर्पित करनो है अपन सबने मिलकर झुंझुनू से चाल कर जोत आई है और भीलवाड़ा के बाद और अनेकों अनेक स्थान पर जावे भीलवाड़ा को भी परचम लहराना चाहिए कि दादी का इतना भगत है सब मिलकर सेवा कर रही है अरे दादी थारा टापरिया धन याद करे ओ मैया थारा आवाज तो आनी चाहिए कितना याद करो बोलो दादी ओ मैया याद करे ओ भैया राधा
खाली सेवा पूजा करने को नहीं आवे मारे, मैं तो केवल भाव दिखानो जाना और भाव परोसनो जाना। ना मैं जाना आरती करनी ना पूजा की रीत, ना मैं जाना आरती करनी ना पूजा की रीत, हो तारा याद करे ओ भैया तारा का करिया सद याद करे ओ तार से भैया तार से भैया करिया करे दादी तारा दादी तारा का करिया सद याद करे ओ भैया तारा याद याद करे सुंदर लग सजाने वाला खेलो और सजने वाले दादी, लेकिन फिर भी आप हमें इतनी औकात को नहीं कि हमारी दादी ने सजा सके, मेहनत करा भाव परोसा दादी दादी और कोशिश यह करा कि हर दिन अपन ऐसा लागना चाहिए कि आज दादी की छवि बहुत सुंदर लग रहा है, और जब सुंदर लगे तो मन भी बोल पड़े के धारो रूप सोवनो सोवे दादी भक्तारो मन मोवे, धारो रूप सोवनो सोवे दादी भक्तारो मन मोवे, जो भी देखे सतगुरु खोवे हमारा दादी जी हमारा दादी जी हमारा दादी जी मैं करियो आज यो काम होयो जिको मैं करियो, लेकिन अपन बेरो को नहीं कि वो काम करने वाली यही मन में बड़ो होने से कुछ को नहीं होयो, सोचनो केवल इतनो है कि दादी तेरी कृपा है कि अपनो घर चल रहे हो परिवार चल रहे, अगर तू नहीं होती तो मैं भी आज कुछ को नहीं था। ओ दादी जी तुम्हारे चरणों में तुम्हारे चरणों में मैं
अपने मतलब की करना चाहता हूँ, कर सकूं तो हमारे मतलब की बात एक कर लूं, मंजूर है थाने। आज के समय में ऐसा कोई भक्त नहीं है जिसके पास एंड्रॉइड फोन ना हो, सबके पास है ना। किसके किसके पास है कॉल लेकर के बैठा हुआ, एक बार दिखाइए 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 जल्दी। हाँ अरे दिखा दीजिए, शर्माइए मत, क्योंकि मैंने देखा है बड़ा बड़ा कीर्तन में पहली तो लोग दो चार नाम दादी को ले लेता, आजकल आ जाऊं ज्यादा समय तो सेल्फी लेने में बीत जाऊं। जी का पीछे बैठे हुए तो जरूर ले रहे सेल्फी, सामने वाला तो फिर भी लगे कि कोई देख ले, लेकिन आज क्योंकि ये दादी जी की ज्योत यात्रा है इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, जिसके पास एंड्रॉइड फोन है एक बार वो निकालिए, यूट्यूब के अंदर में जाइए आप लोग सब, जिनके पास एंड्रॉइड फोन यूट्यूब में जाइए, श्री रानी सती फाउंडेशन उसमें टाइप कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, इससे दादी जी की ज्योत यहाँ से निकल कर किस स्थान पर जा रही है और ज्योत ने जिस जिस स्थान से भ्रमण किया है उस स्थान पर भक्तों ने दादी जी की ज्योत का कैसा स्वागत किया। ये मैं बिलवाड़ो भी आवा, बिल्कुल आओ, इसमें बिलवाड़ा भी आएगा, तब आप स्वयं इस बात को महसूस करेंगे, गर्व महसूस करेंगे, आप इस बात की गर्व महसूस करेंगे अपने अंदर में कि आपने दादी की ज्योत का इतना भव्य स्वागत किया। आपको खुद पे गर्व होगा कि दादी जी झुंझुनू से चलकर आई है। एक बार आप लोग खोल लीजिए मोबाइल, एक बार मैं चाहूंगा जिसके पास है। यूट्यूब के ऊपर श्री रानी सती फाउंडेशन, केवल इतना ही बोलना है, केवल इतना बोलना है, अपने आप वो खुल जाएगा, उसको लाल बटन सब्सक्राइब कर दीजिए और कुछ नहीं करना होगा, बस बस अपने आप आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे कि अभी भीलवाड़ा से निकल गई है, अब उदयपुर जा रही है। रास्ता में कौन कौन मिले, प्रदीप भाई जी मिले हैं, प्रदीप भाई जी की यहाँ सेवा कर रहे हैं, जो भी दिख जाओ, श्याम भाई जी की यहाँ सेवा कर रहे हैं, जो भी दिख जाओ, सब दिखेगा, कोई बाकी को ले, और थे कहीं सेवा कर रहे हो भी दिख जाओ, थोड़ी थोड़ी मेहनत करता रहे हो और दादी जी को नाम लेकर के बोलता रहे हो के जरा प्रेम से बोलो दादी की, सारे बोलो जय दादी की, मोटी से ठाणी जय दादी। एक और बात बताता हूँ आपको, ये ज्योत यात्रा 30 दिन की है, 30 डेज, इसके पहले मार्च में निकली थी वो 40 दिन की थी। उस समय हम लोग राजस्थान से निकलकर दिल्ली होते हुए यूपी बिहार उड़ीसा इस क्षेत्र में गए थे, सारे जगह हमने वहां पर देखा माताओं बहनों को इतने गर्म का समय और नंगे पांव हाथ में दादी जी की ध्वजा लिए हुए 10-10 किलोमीटर तक पैदल चली है और जिस स्थान पर केवल 5 घर है ना हमारे अग्रवाल भाइयों के, 5 घर केवल 5 घर, बाकी सब बिहारियों के घर है, 5 घर अग्रवाल भाइयों के, उन्होंने 5 घर ने मिलकर दादी जी की ज्योत का ऐसा स्वागत किया, ऐसा स्वागत किया है कि हम आपको बता नहीं सकते। ये भाव है, ये प्रेम है माँ के प्रति, ये श्रद्धा है जो भक्त केवल तभी दिखाता है जब माँ उसके पास आती है, तब दिखाता है। एक बार जी जी बिहार में यूपी में हर स्थान पर नंगे पांव चलिए 4-4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर, हमें तो गाड़ी से उतरते ही डर लग रहा था इतनी गर्मी में कहाँ जावा, लेकिन वो लोग चल के गए। आप जब श्री रानी सती फाउंडेशन को सब्सक्राइब करेंगे ना तो पिछली ज्योत यात्रा 40 दिनों की जिसमें कम से कम 100 स्थानों पर दादी जी की ज्योत गई सब देखने मिलेगा आपका, तब आप स्वयं इस बात को महसूस करेंगे कि दादी भक्तों ने किस तरह से दादी की ज्योत का स्वागत किया। और ये पीड़ा उठाया रानी सती फाउंडेशन ने, लेकिन दादी जी ने क्या बोलकर साथ दिया, दादी जी बोली हमारी बेटी हमारी शेरनिया जी की है ना ये अभी तक सो रही है घर में, माने जगाना जरूरी, अगर वे जागी तो दुनिया में कोई घर बाकी को नहीं रहे जब दादी का नाम को परचम न लागे, हर स्थान पर रहे हर जगह मिलकर एक बार प्रार्थना करके एक साथ जरा तालियां बजा के ओ दादी जी जो मारे चरणों में मैं बनने के भिखारी आया हूं, दादी जी जो मारे चरणों में मैं बनने के भिखारी आया हूं, ओ मैं बनने के भिखारी आया हूं।
अरे दादी मेरी तोर को रखना हाथ में, दादी मेरी तोर को रखना हाथ में। हम लोगों ने देखा है ना पतंग उड़ती है आसमान में, उसको नीचे से भी उड़ाया जाता है। कैसे? लंबी डोर हाथ में रख लो, थारो मन हो जी अभी ने बन्ने जी मन घुमाता रहो। दादी जी ने अगर आपकी डोर पकड़ा दी तो फिर दादी की भी मर्जी उसी में थाना घुमाओगी तो मंजूर है कि नहीं? घूमो आपकी मर्जी से घूमो कि दादी की मर्जी से घूमो? दादी की मर्जी से घूमो, जिन्हें जिन्हें घूमो है मिलकर बोलो। दादी मेरी डोर को रखना हाथ में, दादी मेरी डोर को रखना हाथ में, हर जन्म जन्म तक रखना तेरे पास में। दादी मेरी डोर को रखना हाथ में, जन्म जन्म तक रखना अपने पास में, तेरे पास में, तेरे पास में, तेरे पास में रखना, तेरे पास में, तेरे पास में, तेरे पास में रखना। दादी मेरी डोर को रखना हाथ में, दादी मेरी डोर को रखना जन्म जन्म तक रखना तेरे पास में, दादी मेरी डोर को रखना हाथ में, जन्म जन्म तक रखना तेरे पास में। कि कोई भी गलत जगह को जा सकता या तो पक्की हो जाए। अगर दादी ने डोर पकड़ा दी तो फिर गलत स्थान पर जानो कोनी और बुरो काम भी कोनी हो। के जहां जहां मैं जाऊंगा वो मर्जी तेरी होगी, जहां जहां मैं जाऊंगा वो मर्जी तेरी होगी, ये मेरी जीवन डोर तो हाथों में तेरी होगी, मेरी जीवन डोर तो हाथों में तेरे होगी। पर मत बहलाना दादी अपनी बातों में, अरे मत बहलाना दादी अपनी बातों में, कोई आना जाने मत करना, एक काम करना है क्या, मेरी डोर को अपने हाथ में रख लेना, केवल बातें मत बताना। मैं ज्यादा सेवा नहीं कर सकता लेकिन जितनी सेवा करूंगा उतनी दिल से करूंगा, करूंगा ना दिल से सेवा करूंगा कि नहीं? जो दिल से सेवा करेंगे बोलिए एक साथ। मन करता है अब झुंझुनू में बस जाऊं मैं, मन करता है अब झुंझुनू में बस जाऊं मैं, झुंझुन वाले की सेवा में लग जाऊं मैं, करता है अब झुंझुनू में बस जाऊं मैं, झुंझुन वाली की सेवा में लग जाऊं मैं, ओ उठ कर मेरी माँ के दर्शन पाऊं मैं, उठ कर मेरी माँ के
जाऊं मैं, धरण वाली की सेवा में लग जाऊं मैं। इतना अच्छा गा रहे हैं आप लोग, एक बार दोनों हाथ उठा लीजिए, बिल्कुल एक बार बिल्कुल सीधे उठा लीजिए और उठा करके दादी की तरफ ऐसे दिखा कर कहिए, हाँ इधर इधर दादी की तरफ हाथ दिखा दीजिए। हाँ अरे प्रेम का धागा तुमसे बांधा, प्रेम का धागा तुमसे बांधा टूटे ना, प्रेम का धागा तुमसे बांधा टूटे ना। चाहे जग रूह मेरी दादी तुम रूह चाहे जग रूह मेरी दादी तुम टूटे ना। साथ हम लोग इसलिए मांगते हैं क्योंकि दादी जब कभी भी मुसीबत में पड़ा, जब कभी भी मुसीबत में पड़ा तो क्या हुआ मेरे साथ, जब मुश्किल थे हालात ना दिया किसी ने साथ, जब मुश्किल थे हालात ना दिया किसी ने साथ, तो तुमने ही आकर के पकड़ा था मेरा, तो तुमने ही पकड़ा था मेरा हाथ। मुश्किल से निकाला है हर संकट को टाला है, मुश्किल से निकाला है हर संकट को टाला है, तेरा करते शुक्रिया मावड़ी, तेरा करते शुक्रिया मावड़ी। रोज मांगते हम लोग दादी जी से, अपने मतलब के लिए आते हैं यहाँ पर दरबार, किसी भी दरबार, चाहे बाबा को दरबार हो, चाहे दादी को दरबार हो, चाहे बालाजी को दरबार हो, सब आवे मतलब से। कोई भी आकर पहले यो को नहीं बोले या जो जानो को नहीं चावे कि दादी जी मैं लोग थारी सेवा ढंग से करा आगे नहीं, आते ही पहली आपकी बात, मेरे या कमी है इन्हें दूर कर दे, या चाहिए जो दे दे, मांगा और आप लोग फर्ज भी है मांगना, लेकिन सागर सागर थोड़ी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि राजस्थान में एक कहावत है जिके की खाओ बाजरी टिक्की बजाओ बाजरी, तो बात तो बजानी पड़ेगी, बजानी पड़ेगी कि नहीं, एक बार बजाओ तालियां बजा कर बोलो एक साथ। जब मुश्किल थे हालात ना दिया किसी ने साथ, जब मुश्किल थे हालात ना दिया किसी ने साथ, तो तुमने ही आकर के पकड़ा था मेरा, तो तुमने ही आकर के पकड़ा था मेरा, मुश्किल से निकाला है हर संकट को टाला है, मुश्किल से निकाला है हर संकट को टाला है। अब एक बार शुक्रिया करोगा दादी का, गुड गुड थैंक यू बोलो, थैंक यू थैंक यू, दादी ने थैंक यू बोल रहे, एक बार दोनों हाथ उठा लो मावड़ी, इतना भगत तने धन्यवाद दे रहा है कि मारी किस्मत तू बना दी, एक बार दोनों हाथ खोल कर एक साथ, ओ तेरा करते शुक्रिया ओ मावड़ी, तेरा करते शुक्रिया ओ मावड़ी, तुम ही थी तुम ही हो मेरी धड़कन में सदा, तुम ही थी तुम ही हो मेरी धड़कन में सदा, तेरा करते शुक्रिया ओ मावड़ी, तेरा करते शुक्रिया ओ मावड़ी।
से वादा टूटे ना, चाहे जग रूठ मेरे दादी तू रूठे ना। बोले रानी सती दादी। देखिए तालियां बजाने से ज्यादा जरूरी है हमारे श्री रानी सती फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप भी कीजिए, साथ में औरों को भी बोलिए। और फेसबुक पे भी ज्योत यात्रा का पेज है। आज भीलवाड़ा में ऐसे एक दो बार मैं आया हूँ यहाँ पे श्याम बाबा के उत्सव में, बहुत पहले हो गए उस बात को नहीं करते भी 15 साल। आज 15 साल लगभग 14-15 साल बाद दोबारा आया हूँ। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि आज के बाद यहाँ भीलवाड़ा के जितने भी भक्त लोग, हमारी जितनी भी बहनें हैं ना जो सामने बैठी हैं, इन सबसे एक नया रिश्ता बनकर जा रहा है। वो रिश्ता ये है, दादी परिवार के साथ साथ भाई बहन का रिश्ता है। और ये भाई बहन का रिश्ता जो है ना, ये उस युग से चला आ रहा है जब कन्हैया ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर नानी बाई को बोला था कि बहन मने राखी बांध दे, आज के बाद थारे ऊपर जो भी काम, कोई भी काम अटकेगा तो मैं दौड़े दौड़े चले जाऊंगा। तो ये रिश्ता जो है वो तब से चला आ रहा है। और जब दिल से ये रिश्ता बना लिया तो ये समझ लीजिए दादी परिवार एक साथ और भाई बहन मिलकर एक साथ दादी का परचम लहराएंगे, पूरे दुनिया में लहरेगा आने वाले समय में। ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई दोराय नहीं है। और जब माताओं बहनों को जोश आ जाएगा ना तो फिर बाकी कोई रहने वाला नहीं है, सबको घर में घर घर में बच्चा बच्चा जय दादी की बोलने वाले। आइए जी आ जाइए, मैं अनुरोध करूंगा श्री रानी सती, आप बोलोगे। हम भीलवाड़ा वाले बहुत भाग्यशाली हैं कि आज दादी जी पांचवी बार हमारे यहाँ पधारी हैं। और इसका श्रेय ये पांचवी बार पधारने का और उनके दर्शन का श्रेय श्री रानी सती फाउंडेशन ट्रस्ट कोलकाता को जाता है। हम दादी परिवार की तरफ से उनके सदस्यों का स्वागत करना चाहते हैं। उस कड़ी में श्री भाई ज्योति जी झुंझुनवाला, अनिल जी श्रीयांश पधारे और भाई ज्योति जी झुंझुनवाला का दुपट्टा उड़ा के स्वागत करें। एक विशेष बात हमारे भाई ज्योति जी झुंझुनवाला के पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हाल ही में हुआ है, तो श्री महेंद्र कुमार जी झुंझुनवाला, ये हमारे भाई ज्योति जी झुंझुनवाला के पिताजी और देवेंद्र जी झुंझुनवाला रानी सती मंदिर के जो प्रेसिडेंट है उनके बड़े भाई हैं। हम दादी जी से प्रार्थना करते हैं, सभी भक्तों की ओर से दादी जी से प्रार्थना करते हैं कि दादी जी स्वर्गीय महेंद्र कुमार जी झुंझुनवाला को अपने श्री चरणों में स्थान दें। बोल साचे दरबार की। इसी कड़ी में श्री कैलाश जी, क्या मैं भाई संजय जी मुरारका से अनुरोध करूंगा वो आए और दुपट्टा उड़ाकर भाई क्याल जी का स्वागत करें। ताली बजाइए भाई, ताली में कंजूसी मत कीजिए। श्री सूर्यांश जी झुंझुनवाला, मैं भाई विजय जी लोहिया से अनुरोध करूंगा दुपट्टा उड़ाकर सूर्यांश जी का स्वागत करें। शिव जी खेमका माल्यार्पण करेंगे। श्री सुमन मुरारका
श्री सुमन जी मुरारका, सुश्री सुमन जी मुरारका आप पधारे। हाँ रितु बेटी आएंगी और दुपट्टा उड़ा के इनका स्वागत करेंगी। भाई रेखा माला पहनाकर सुमन जी का स्वागत करेंगे। दरबार की श्री संजय जी शर्मा, श्री सुरेंद्र जी अग्रवाल दुपट्टा उड़ाकर शर्मा जी का स्वागत करें। श्री गोविंद जी दलाल आप भी स्वागत। ज्योति की जय। सोनू जी शर्मा, श्री सोनू जी शर्मा भाई प्रदीप जी पुदार और राजेश जी टीबड़े वाले। श्री संजय जी चौधरी, श्री संजय जी चौधरी पधारे और आज का विशेष आनंद देने के लिए हमारे जितने म्यूजिशियन हैं सबका दुपट्टा उड़ाकर स्वागत करें। संजय जी तुलस्यान भाई, संजय जी तुलस्यान पधारे। आप बैठा चल जाओ ना, सुनो ना, ते गाड़ी का चल जाओ पंडित जी। हाँ हाँ, ज्योत के साथ, ज्योत के साथ दो शास्त्री जी हैं, उनका भी हम स्वागत करना चाहते हैं। कृपया वो पधारे। देखिए ये तो है श्री रानी सती फाउंडेशन और हमारे पास वर्ल्ड वाइड फाउंडेशन भी और उसके संयोजक है संजय जी तुलस्यान। अनिल जी अग्रवाल श्रीयांश, शिवयांग शिवयांग अनिल जी भाई साहब, सुमित जी केडिया, सुशील जी केयाल या सुमित केयाल जो भी हो पधारे। अमित जालान, भाई जी उधर आवाज सुन रहे हो तो आगे आए हैं, थोड़ी सी देर व्यवस्था में। हमारे शास्त्री जी का स्वागत हमारे पुजारी जी करेंगे। कृपया पधारे और शास्त्री जी का स्वागत करें। और के नाम होता है भाई जी भाई विनोद जी अग्रवाल, हमारा प्रचार प्रसार तो इन्हीं से होगा और
इनका ध्यान रखने से फोटो सबकी खूब बढ़िया आएगी भाई। हाँ सबकी फोटो आनी है भाई, बढ़िया से स्वागत होगा तभी बढ़िया फोटो आएगी। बोल सांचे दरबार की भाई, ऐसा है कि मेरे मैं माइक को देखता हूँ ना तो मेरे को छटपटी लग जाती है और बिना दो लाइन गाए बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। तो दादी जी से अर्ज है, लिखने वाले ने लिख डारे मिटाने कोई पाया, बिगड़ी बना हम तुम्हारे हैं मैया, तुम हमारी हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरी मैया, तुम हमारी हो हमको। तो आप 1 दिसंबर को फिर सुन लेना, कोई बात नहीं, महीने का मंगल पाठ है। श्री रानी सनी फाउंडेशन कलकत्ता, दादी जी की दिव्य ज्योत को के भारत भ्रमण में द्वितीय चरण के तीसरे दिन आज भिलवाड़ा शहर पधारी। यहाँ के दादी परिवार जिस ढंग से हमारे फाउंडेशन के प्रत्येक सदस्य का स्वागत किया, हम उनके अत्यंत आभारी हैं। हम यहाँ दादी परिवार भिलवाड़ा के प्रत्येक सदस्यों को आमंत्रित करता हूँ, उनको मैं एक स्मृति चिन्ह हमारे फाउंडेशन की तरफ से प्रदान करेंगे। उनके जो भी पदाधिकारी हैं वो आए। जो भी माताएं बहने आ जाए, ठीक है तो बोल रानी सती दादी की जय। जय। एक सूचना मैं आपको दूं, हमारे साथ संजय जी शर्मा जी उनका भजन सुन रहे हैं, वो प्रथम यात्रा के में 40 दिन एवं द्वितीय यात्रा जो अभी चल रही है इसमें 30 दिन ये अपनी निःशुल्क सेवा में प्रदान कर रहे हैं। इनका ताली बजाकर एक बार सम्मान करें। जय दादी। हेलो 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 हेल
ए लगा ए ए बस वही करवा रहे हो। थारे बोलने से पहले थारे मन की बात मत समझ। अभी दो मिनट पहले बोल के बैठे हो ना, रिश्तों बना लियो, अब थोड़ी चिंता कर रही है। क्या बोलने वाला अभी से पहले मत समझ। हो जैया रोज आवा दादी, मैं तो थारे द्वार पे, अरे आइया आई झुंझुनू से दादी मारे चाल के, आइया आई दादी झुंझुनू से मारे चाल के। देखिए इसके साथ साथ में आपको अपने आप इच्छा हो जाएगी नाचने की, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन आप सुनते रहिए और अगर इच्छा हो जाए तो खड़े हो जाइएगा। हाँ, रेडी वन टू थ्री थारे द्वार पे, जैया रोज आवा दादी मैं थारे द्वार पे, जैया आई दादी मारे घरा आज चाल के, जैया आई दादी मारे घरा आज चाल के।
हर बेड़ो पार लगाड़ो पड़ी रे मोती से गाड़ी हर पीछो तेरो छोटो को पीछो तेरो छोटो को पीछो तेरो छोटो को पीछो तेरो छोटो को मोती से गाड़ी मोटी से गाड़ी हर बेड़ो पार लगाड़ो पड़ी रे मोटी से गाड़ी शुरू करया ये दो भाई चार पांच लोग हो रहा ये दो ही बाकी रह गया बाकी सब बैठ गया बहुत जल्दी थक गया थे ना अरे अभी तो नाचना ही शुरू करने इतनी जल्दी थक गया के एक बार एक बार एक बार एक कर स्केल चढ़ा बी फ्लैट कर बी फ्लैट कर केवल धमाल बजाना और कुछ नहीं हां एक बार खड़े हो जाओ सोचो मत सोचने को समय को नहीं आ जाओ एक बार जितना हो सब आ जाओ आइए भाभी आप लोग भी आइए सोचिए मत आ जाइए चौसठ जोगणी Yeah.
सजती है पांवों में पायल, लाखन सजती है पांवों में पायल, रूप सुहाना लागे मुझे, रूप सुहाना लागे मुझे, बड़ी प्यारी लागे, बड़ी सोनी लागे। एक सेकंड भाई, एक बार। देखिए आप लोग जो बैठे हैं, एक बार मैं कहता हूँ, एक बार अपनी जगह खड़े हो जाइए, एक बार दीदी भैया सारे लोग एक बार खड़े हो जाओ, और दीदी एक बार खड़े हो जाओ, एक बार खड़े हो जाओ। कौन स्केल में, कौन से स्केल में लगा पकड़। अरे ऐसा सजा दो दादी को के दादी हमारे दिन बदले। लेकिन मैं बोलना पड़ सी थोड़े पंजाबी की तरह, आज उठाओ एक। अरे बल्ले 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 बल्ले, तुम लोग को बल्ले बल्ले नहीं कराना है, इनका बल्ले बल्ले बल्ले। एक बार सबको झूम के बोलना है एक साथ, बल्ले 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 बल्ले। जितनी ध्वजा एक बार ले लीजिए आप लोग, प्लीज ध्वजा ध्वजा को हाथ में ले लीजिए सभी।
जितने बैठे हैं खड़े हो जाएं, ध्वजा है, ध्वजा ले दादी की। देखिए दादी जी ने पहले जमाने में सेनापति हुआ करता था और एक हुआ करता था, दो दो तीन तीन जने हाथ लगा लीजिए। तो राजा वाले, राजा जो थी वो है हमारी माँ, ये संसार की राजा है और हम सारे इसके सैनिक है। जो सैनिक है वो हाथों में माँ की ध्वजा लिए हुए पूरे संसार में लहराना है, एक बार सारे मिलकर एक साथ। भीलवाड़ा को मंदिर बहुत बड़ा है, एक जगह खड़ा मत हो जो है, पूरे मंदिर में घूम ले जो एक बार खाली एक बार घूम ले जो, एक बार घूम ले जो जी, चिन्हड़ी ले रहा है भैया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जुलूस निकाल कर, क्या बात है दीदी, वाह जुलूस निकाल करके एक साथ। दादी के जयकार से, मंत्रों के उच्चार से, दादी के जयकार से, मंत्रों के उच्चार से, विश्वास है दादी जी का साथ है, मैं विश्वास है दादी जी का साथ है, दादी जी की सेना चली, दादी जी की सेना चली। विश्वास है दादी पे आस है, दादी पे विश्वास है, दादी करे दादी की सेना चले, दादी करे दादी की सेना चले। घर घर में बच्चा बच्चा जय जय दादी की, घर घर बच्चा बच्चा जय जय दादी की बोलेगा, तू जन्मानी
तुझे प्यार
चूड़ी चटक रंग लाए जोरदार तालियां बजा लीजिए आप लोग की जय। और झुंझुनू वाली